हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा उन मूलभूत 10 प्रश्नों के बारे में जो 498A से रिलेटेड हैं, जो प्रश्न 498A से संबंधित है, जो अमूमन आप लोगों के मन में मनोमस्तिष्क में आते हैं। उन प्रश्नों का निवारण, उन प्रश्नों का उत्तर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप 498A के भुक्तभोगी हैं या आप करने वाली हैं 498A का मुकदमा। तो इन प्रश्नों का उत्तर आपके मन में जरूर होना चाहिए। अब मैं ये डिस्कशन करूं उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप सभी को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, किसी मामले में मेरा लीगल ओपिनियन चाहते हैं, पर्सनल या प्रोफेशनल, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा के बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फीस एप्लीकेबल होगी। बिना अपॉइंटमेंट बात कर पाना हमारे लिए असंभव होगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता है कि क्या शादी के 7 साल बाद भी 498A का मुकदमा हो सकता है? तो कई लोगों के मन में ये मिथ है, ये क्वेश्चन है कि उनको लगता है कि शादी के 7 साल बाद 498A का मुकदमा नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको बता दूं, 498A का मुकदमा किसी भी टाइम पीरियड पर हो सकता है, कभी भी हो सकता है। उसके लिए कोई बाध्यता नहीं कि आपकी शादी के कितने साल हुए। 20-20 साल बाद कई औरतों ने अपने पतियों के ऊपर 498A का मुकदमा किया हुआ है और उनके मुकदमे चल रहे हैं। 2 मुकदमे मेरे पास भी ऐसे हैं, एक शादी के 26 साल हो चुके हैं और एक की शादी के 20 साल हो चुके हैं। जी हाँ, तो 498A का मुकदमा किसी भी स्टेज पर किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको ये याद रखना होगा कि ये करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो भी एलिज्ड इंसिडेंट है, जिस घटनाक्रम को आपने बताया है, उस घटनाक्रम के 3 साल से ज़्यादा नहीं हुए होने चाहिए। जिस घटना का हवाला देके आप 498A का मुकदमा लिखाने जा रही हैं, उस घटना को पूर्ण हुए 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब आप लिखा सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता है कि 498A और डॉरी हरासमेंट क्या सेम है? तो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, 498A दहेज से संबंधित कतई नहीं है। इस सेक्शन में दहेज का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस सेक्शन में क्रुएलिटी की बात करी गई है, जिसमें मेंटल और फिजिकल क्रुएलिटी की बात करी गई है। डावरी के लिए, दहेज के लिए डावरी प्रोविजन एक्ट अलग से बना हुआ है। तभी आपके ऊपर जब मुकदमे दर्ज होते हैं दहेज के या 498A के, तो उसमें एडिशनल सेक्शंस लगे होते हैं। 3/4 DP एक डावरी प्रोविजन एक्ट लगा होता है। तो 498 क्रुएलिटी से संबंधित है, मेंटल फिजिकल क्रुएलिटी हो सकती है, और DP एक्ट है, डावरी प्रोविजन एक्ट, वो दहेज से संबंधित है। ठीक है, यहां पर आपका मूलभूत क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। तीसरा प्रश्न आप लोगों के मन में ये आता है, क्या 498A महिलाओं पर लग सकता है? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर सुनेंगे आप तो बहुत सारे पति खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, 498A महिलाओं पर लग सकता है। अब इसका दूसरा पहलू सुनेंगे तो पति दुखी हो जाएंगे। 498A केवल बहू कर सकती है, वो अपने ननद के खिलाफ कर सकती है, अपनी सास के खिलाफ कर सकती है, जेठानी देवरानी किसी के अगेंस्ट भी 498A कर सकती है, सबके नाम लिखा सकती है। इसमें कोर्ट कंसिडरेशन में लेती है कि बहुत सारे लोगों के फर्जी नाम लिखा दिए गए, तो ज़्यादातर कोर्ट इसको क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगाती। बहुत सारे जजमेंट आपके पास हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब उसके बाद अगला चौथा प्रश्न आप लोगों के मन में आता है, 498A में क्या पुलिस अरेस्ट कर सकती है? यस, बिल्कुल आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, लेकिन 41A के रेगुलेशन, 41A CRPC के रेगुलेशन को उनको फॉलो करना होगा। अर्नेस वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार वाले जजमेंट को भी फॉलो करना होगा। अगर उन गाइडलाइंस का पुलिस वाले फॉलो नहीं करते हैं, अरेस्ट डायरेक्टली कर लेते हैं, तो आपके अगेंस्ट यानी कि पुलिस वालों के अगेंस्ट कार्रवाई हो जाती है। उसके बाद बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्या 498A और DV एक साथ साथ चल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल चल सकता है, ऑफ कोर्स चल सकता है। 498 मेंटल फिजिकल क्रुएलिटी से रिलेटेड है, DV डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है वाइफ के पास प्रोविजन है, वो दोनों सारे के सारे मुकदमे आपके ऊपर एक साथ चला सकती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जो छठा क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता है, वो ये आता है कि क्या एलिगेशन जो भी वाइफ के द्वारा लगाए गए हैं उस पर सजा होगी? तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, जो वाइफ ने एलिगेशन लगाए हैं उस पर बिल्कुल भी सजा नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया है, बर्डन ऑफ प्रूफ उन्हीं पर है, अब उनको साबित करना है। बाकी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आफ्टर प्रायर इन्वेस्टिगेशन ही आपको पनिशमेंट होगी, अदरवाइज कन्विक्शन नहीं होगा। कई मामलों में मैंने देखा है जहां पर 498A में हस्बैंड का एक्विटल हो जाता है, यानी कि दोष मुक्त हो जाता है, लेकिन अगर जो दोषी है उसके खिलाफ एप्रोप्रिएट तरीके से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको जेल भी होनी चाहिए। मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है, मैं कानून प्रिय हूँ और नियमों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हूँ। नो डाउट मैं हस्बैंड्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ, वाइफ्स के लिए वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादातर हस्बैंड्स के लिए है,
लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो एक्चुअल में प्रताड़ित हैं इस मामले से लेकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके मन में आता है कि 498 एक ही डेट पर क्या पति का जाना हर डेट पर अनिवार्य है? तो मैं बता दूं बिल्कुल 498 क्रिमिनल नेचर का मुकदमा है, जितने भी एक्यूज्ड हैं उनका जाना हर डेट पर अनिवार्य है। लेकिन अगर आप किसी डेट पर नहीं जा सकते हैं तो वकील साहब के माध्यम से एग्जम्पशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस की एप्लीकेशन लगाइए, वहाँ पर अगर आप कोर्ट एग्जम्प्ट कर देती है तो आप उस डेट पर नहीं जाएंगे, अदरवाइज आपको जाना मैंडेटरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है, क्या 498 ए बिना मेडिकल के दर्ज हो जाता है? तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं 498 ए बिना मेडिकल के दर्ज हो जाएगा, तो क्योंकि क्रुएलिटी की बात करता है तो क्रुएलिटी मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, शारीरिक या मानसिक क्रूरता आप करते हैं अपनी पत्नी के साथ तो आपके अगेंस्ट ये मुकदमा बनता है और बिना मेडिकल के कर सकता है, क्योंकि मेंटल क्रुएलिटी को आप कैसे मेडिकली प्रूफ करेंगे? फिजिकल इंजरी को तो आप प्रूफ कर सकते हो मेडिकल करा के, लेकिन जो मेंटल हरेसमेंट आपने कर रखा है अपनी वाइफ का, वो आप कैसे कहोगे कि मैंने नहीं किया हुआ है? दिस विल बी कंसिडर ऑन हर स्टेटमेंट्स, ओरल एविडेंस और उसके सरकमस्टांशियल एविडेंसेस के ऊपर सारी की सारी चीजें निर्भर करती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास आता है कि क्या 498 ए का मुकदमा खुद हस्बैंड लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है, आपको किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी लोग जितने आपके साथ को एक्यूज होंगे जैसे आपके फैमिली मेंबर्स, उनकी आप पैरवी नहीं कर पाएंगे, पैरवी आप केवल अपनी करेंगे। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन आप लोगों को है कि इसमें एक काबिल वकील करिए, वकील साहब आपसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी हुई और प्रायर एक्सपीरियंस उनको उसी फील्ड में, वो किसी और फील्ड में नहीं लगे हुए हैं, इसलिए आप वकील करिए और वकील साहब के माध्यम से ही इस लड़ाई को लगिए। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि 498 क्वैश हो सकता है या? बिल्कुल 498 ए का मुकदमा क्वैशिंग में आप जा सकते हैं, क्वैश होते हुए मैंने देखे हैं, क्वैश कराए भी हैं और क्वैश होते भी हैं, लेकिन इसके लिए कुछ ग्राउंड्स होते हैं कि प्राइमा फसाई आपके ऊपर कोई FIR नहीं बनती, प्राइमा फसाई जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो फेक और बेग है, सारे जो एलिगेशंस पार्टीज के ऊपर लगाए गए हैं वो जर्नल नेचर के हैं, उनका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है, सारी घटनाएं मिथ्या है, मनगढ़ंत है, कोई भी एविडेंस बन नहीं रहा। जैसे किसी पर आरोप लगाया गया है कि वो उसने मारा पीटा और वो पता चला लंदन में रह रहा है, इंडिया में है ही नहीं, मारपीट का आरोप लगा हुआ, तो डेफिनेटली क्वेश्चनिंग में आप जा सकते हैं, क्वेश्चनिंग में जाके अपने आप को विजयी घोषित करा सकते हैं, मामले से मुक्ति लेकर फर्दर उसके बाद काउंटर केसेस करके अपनी वाइफ को सजा दिला सकते हैं उनके झूठे कृत्यों के लिए। अगर देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए, अगर क्लियर हो गए तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरी चीज़, पर्सनली बात करनी हो, मिलना हो तो आप आ सकते हो, इन दोनों लखनऊ में हूँ मैं, नहीं तो इलाहाबाद दिल्ली कहीं पर भी मिल सकता था, लेकिन इन दोनों मेरे कोर्ट के हॉलीडेज हो रहे हैं और मैं आपको लखनऊ में मिलूंगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराना। साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट है मेरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग समझेंगे कि अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आप लोगों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में हुआ है, तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को पहली कोशिश यही करिए कि फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के मीडिएशन करिए, एक दूसरे के साथ वार्तालाप स्थापित करिए, अपने मन की जो भी भड़ास हो निकाल लीजिए और कोशिश करिए कि घर ना टूटे, अपने जो भी ईगोस हो उनको किनारे करिए, फ्यूचरिस्टिक होइए, फ्यूचर के बारे में सोचिए, घर परिवार में आपस में बातचीत करिए, सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन होता है, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ईगो नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के मैटर में आप पड़ेंगे, लंबा मैटर खिंचेगा, आपका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, आपका घर परिवार फैमिली पूरा मुकदमों में इम्प्लिकेट रहेगा, परेशान रहेगा, आप एक केस करेंगे वो चार केस करेंगी, आप चार केस करेंगी वो आठ केस करेगा, इस तरीके से लाइफ जो है कोर्ट में ही बीत जाएगी, जवानी आपकी कोर्ट में बीत जाएगी, देन आप अपनी फैमिली को कैसे सर्वाइव करोगे, आगे चल के कैसे आप सर्वाइव करोगे, कैसे सस्टेनेबिलिटी लाओगे, तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी लाइफ में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस तरीके के एलिगेशन मुकदमों से जो फर्जी नेचर के हैं उनसे बचिए, और शादी अगर आप करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर, देख समझ कर ही करिए, वरना आप मत करिए, मेरा यही आप लोगों को सजेशन है। दूसरी चीज़, अगर आपने मुझे फेसबुक पर अभी तक फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम ट्विटर पर मुझसे आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप मुझसे जुड़िए, वहां पर मैं लॉ से रिलेटेड कई वीडियोस डालता हूं, प्रोविजंस डालता हूं, इमेजेस डालता हूं, कुछ पर्सनल लाइफ निजी जिंदगी से भी संबंधित तथ्य मैं वहां पर डालता हूं, आप उनको देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, और उम्मीद है ये वीडियो ने जरूर कुछ ना कुछ आपका उत्साह बढ़ाया होगा, ज्ञानवर्धन किया है, ज्ञानवर्धन हुआ है, उत्साह बढ़ा है, कुछ मोटिवेशन मिला है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताएं, और सब्सक्रिप्शन करना कतई ना भूलें,
आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है, मुझे मोटिवेशन देता है। उस मोटिवेशन के बिहाव पर ही मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने की कोशिश करता हूँ। जिस दिन से व्यूज़ बंद हो जाएंगे, सब्सक्रिप्शंस बंद हो जाएंगे, तो मेरे लिए इन वीडियोस को बनाना कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा और अपना ओपिनियन रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।